फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल एग्जाम दी। आर्मी रैली में बहुत जो भर्ती निकली हुई है आर्मी में, उससे रिलेटेड हम बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप, कब से क्या स्टार्ट होगा, कब से कौन कौन से डिपार्टमेंट में है, तो सारी जो प्रक्रिया को समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। उससे पहले यदि वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। तो देखते हैं क्या है आगे। तो आर्मी रैली में भर्ती निकली है, ये जो 9 मार्च से दौड़ स्टार्ट हो जाएगी, कांस्टेबल जो जीडी और जो तुम्हारा क्लर्क ट्रेडमैन, ये सारे इसमें, और ये पूरे भारत के लिए है। देख सकते हैं क्या, इंडियन नेवी ओपन द रैली भर्ती 2022 नोटिफिकेशन नंबर ऑफ पोस्ट है, भी मेंशन नहीं है, वो खोली हुई नहीं इन्होंने, बाद में बता देंगे। पोस्ट नेम है जो सोल्जर है जीडी के लिए, ड्यूटी जनरल ड्यूटी के लिए क्लर्क, नर्सिंग असिस्टेंट, सोल्जर ट्रेडमैन 10th पास, सोल्जर जो ट्रेडमैन 10th पास ही। देखो एक बाइक एक चीज को स्टेप बाय स्टेप समझते हुए चलना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो देखते हैं अब एक एक चीज को अच्छे से मैं डिस्क्राइब करूंगा, तो वीडियो को अंत तक देखना है भाई। आर्मी भर्ती 2022 कब होगी? अच्छा, सबसे जो जॉब लोकेशन होगी, एग्जाम सेंटर ऑल ओवर इंडिया में होंगे, जो तुम्हारा और इंडियन आर्मी सैलरी पे स्केल होगा 21,700 से 69,100 होगा। तो अच्छा, फीस भी, और जो ये आर्मी भर्ती 2020 एज लिमिट क्या होने वाली है, जनरल के लिए जीडी के लिए 17.5 से 21 वर्ष है, और जो ऑल पोस्ट के लिए कैंडिडेट एज लिमिट है वो 17.5 से 23 वर्ष है, और जो एज है SC ST OBC के लिए, SC ST OBC के लिए 5 ईयर का लिए और 3 ईयर का, 3 ईयर का रिलैक्सेशन। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द जॉइन, ठीक है, ऑल पोस्ट के लिए जो फिजिकल है वो 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, और सोल्जर क्लर्क के लिए 162 सेंटीमीटर, और नॉर्थ इंडिया जोन के लिए 157 सेंटीमीटर, वेट 50 किलोग्राम होना चाहिए कम से कम, ये मिनिमम है। आर्मी रैली द रनिंग टेस्ट में 1600 मीटर के लिए 1.6 किलोमीटर होंगे। देखो एक पोस्ट और है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे आगे, मैंने उसको भी मेंशन किया हुआ है, तो वीडियो को देखते हुए चलिए, पूरे लाइक करो, शेयर करते चलिए अपने फ्रेंड्स के पास। यूपी अप टू 5 मिनट में 30 सेकंड में ग्रुप, ये जो 60 मार्क मिलेंगे उसके लिए, अगर 5 मिनट 30 सेकंड में पूरी करता है, अगर 5 मिनट 31 सेकंड में पूरी करता है तो उसके 45 सेकंड के लिए उसके लिए 48 मार्क्स मिलेंगे, और पुशअप होंगे 10, और पुशअप के लिए 10 पुशअप के लिए 40 मार्क्स, 9 के लिए 33, 8 के लिए जो 27, 7 के लिए 21, 6 के लिए 16 मार्क्स, और जो क्वालिफिकेशन क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इसके लिए 8th, 10th, 12th अलग अलग के लिए अलग अलग है। तो ऑफिशियल जो है इसका देख सकते हो हम एड जो, और जो सिलेक्शन प्रोसेस, फिजिकल टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, रिटन टेस्ट होगा, और फाइनल मेरिट होगी, उसके हिसाब से बनेगी। अच्छा, ओपन रैली जो डेट कब है, ये स्टार्ट हो जाएगी 8 मार्च से, 8 मार्च ध्यान रखना भाई, ये मैन कर जो मेंशन कर लो उसको, और रैली एंड होगा वो 22 मार्च को होगा, वो डेट एग्जाम डेट जो अपडेट जल्दी आ जाएगी। ये देखो अलग अलग जहाँ जिस डिस्ट्रिक्ट में सबका मैंने दिया हुआ, मैं इसको अटैच कर दूंगा तो वहां से ले लेना। अच्छा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इंडियन आर्मी MTS रिक्वायरमेंट 2022 एक ये भी निकली हुई है, इसको भी देख लेते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 19 फरवरी से स्टार्ट हो गए हैं, और लास्ट डेट है 11 मार्च है, और देखो देख सकते हो इंडियन आर्मी MTS रिक्वायरमेंट क्राइटेरिया जो क्वालिफिकेशन है 10th पास है, इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट हो, जो ड्यूटीज हाउसकीपिंग के लिए 6 मंथ जो एक्सपीरियंस विद द सर्टिफिकेट ऑफ द सिविल गवर्नमेंट्स के लिए, और जो इसमें जो 4 फेसेस में होगी, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, रिटन एग्जाम होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, इंटरव्यू होगा, चार जगह होगा। स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन जो रिटन एग्जामिनेशन टेस्ट विल बी हेल्ड इन द दिल्ली में एग्जाम होगा। ऑल द क्वेश्चंस आर द लेवल ऑफ द 10th पास, सब सभी क्वेश्चन जो होंगे वो 10वीं के लेवल के होंगे। जो पोस्ट ऑफ द MTS सफाई वाला एंड द फॉलोअर द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन भी होगा, और दो इसमें रिटन एग्जामिनेशन ऑफ द प्रैक्टिकल्स विल बी हेल्ड द इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर ऑफ आर्मी, जो इमेज जो इसके हेडक्वार्टर में वहां पे आर्मी के वहां पे होगा। इसलिए है देखो ये कैंप ऑफ राव तुला मार्ग, जो राव तुला मार्ग नई दिल्ली 110010। अच्छा, हाउ टू अप्लाई द इंडियन आर्मी MTS पोस्ट के लिए, कैसे करना है इसके लिए, द प्रोसेस फॉर्मेट अलोंग द फोटोकॉपीज ऑफ द सर्टिफिकेट, सारे जो टेस्ट जो और टेस्टिमोनियल्स और द सपोर्ट एज के सारे जो अपने डॉक्यूमेंट है वो याद करके गजेटेड ऑफिसर से अटेस्ट कराने हैं। द फिलेडेड एप्लीकेशन फॉर्म नीडेड टू द सेंड टू द हेडक्वार्टर,
उसको भरने के बाद उसको इसको हेडक्वार्टर में भेजना है रामकला मार्ग, ये जो दिया हुआ है एड्रेस जो पहले जो ये, और कब तक 11 मार्च से भेजना है, 11 मार्च से पहले पहले भेजना है। तो देखो ये बहुत अच्छी बहुत अच्छा गोल्डन चांस है जो आर्मी में जाने के लिए जिनका सपना होता है, तो अपना जो फॉर्म को भरें टाइम से और अपना फॉरवर्ड करें, और जो जो खुली रैली वाले हैं वो जो अपनी तैयारी करें। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू, और देखो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत सारी जो जॉब का नोटिफिकेशन सबको आप ही को इसी चैनल पे मिलेगा, कहीं भटकने की कोई जरूरत नहीं है, चाहे एडमिट कार्ड से लेके चाहे एग्जाम होने की डेट तक सब कुछ मिलेगा। तो ऑल नोटिफिकेशन के लिए क्लिक करके रखें ऑल पे, और PDF सारी चीज मिलेगी, और लाइक और शेयर।